मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। अभी ट्विटर ने कुछ दिन पहले एक नई पॉलिसी अप्लाई की है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो जिस तरीके से आपको ये ब्लू टिक का साइन दिख रहा है, ये जो वेरीफाइड ऑफिशियल वेरीफाइड जो टिक आप ये देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इस टिक को जो है वेरीफाइड कहा जाता है। और ये जो है अब कुछ और ऐसी कैटेगरीज के लोग हैं जो कि अगर कोई सेलिब्रिटी, स्टार, मिनिस्टर्स या स्पोर्ट्स अथॉरिटी इस टाइप के लोग नहीं हैं, वो लोग भी इस वेरिफिकेशन को जो है करवा सकते हैं। उसके लिए भी एक तरीका है जो कि हम इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका अकाउंट है, आपको जो है अभी ये सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है, ये सुविधा आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो आप अपने ट्विटर अकाउंट से डेस्कटॉप में जो है लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जो है मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको क्लिक करना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद जो है आपके पास यहाँ इन्फॉर्मेशन में लिखा आ रहा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये जो है आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ जब आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिस आईडी से लॉगिन है उसका पासवर्ड मांगा जाएगा। ये हम यहाँ पासवर्ड जो है कंफर्म कर देते हैं। अब आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी आ गई है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी में आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखा आ रहा है दोस्तों वेरीफाइड, ये वेरीफाइड का जो ऑप्शन है ये अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमने इसको लाइव किया है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट वेरीफिकेशन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ कैटेगरीज आएंगी, कुछ मैसेजेस जो कि आपको देखिए लिखा है वेरीफिकेशन रिक्वेस्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं। वेरीफिकेशन इज़ फॉर नोटेबल पीपल और ग्रुप्स विद इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी। तो ये जो स्टार्ट आप यहाँ करेंगे, स्टार्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो 6 कैटेगरी आ रही हैं, अगर आप भी इसके अंदर आते हैं, लाइक आप एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर, इन्फ्लुएंसर हैं, कंपनी, ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, एंटरटेनर्स, एंटरटेनमेंट ग्रुप, गवर्नमेंट ऑफिशियल और एफिशिएट, जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एंटिटी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल और एफिशिएट जो से जुड़े हैं उस पर हम जो है यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये दो ऑप्शंस हैं, ये आपको जो सिलेक्ट करने हैं, जो क्वालिफिकेशन है इसमें पहला लिखा है कोई ऑफिशियल वेबसाइट, एन ऑफिशियल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वेबसाइट दैट रेफरेंसेस यू, जिस वेबसाइट में आपका रेफरेंस मिलेगा ट्विटर को वो आप यहाँ दे सकते हैं, या आप न्यूज़ कवरेज दे सकते हैं। और इसमें ऐसा लिखा है एटलीस्ट 3 लिंक्स फ्रॉम रेप्यूटेबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बहुत ज़्यादा रेपूटेशन है, दैट हैव कवर्ड और रेफरेंस्ड यू विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, मतलब पिछले लास्ट 6 महीनों में कम से कम 3 बार जो है आप न्यूज़ कवरेज में रहे हों, इस तरीके से आप ये जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी क्लिक करेंगे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आपको वो वेबसाइट देनी है जिस वेबसाइट से जो है आप से संबंधित जो है रेफरेंस ट्विटर को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो है एक वेबसाइट दे रहे हैं जिससे हमारा रेफरेंस जुड़ा हुआ है, और इसके बाद जो है हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आया है, इसमें गवर्नमेंट इशूड आईडी, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर आपकी गवर्नमेंट इशूड आईडी आपको प्रोवाइड होती है तो वो आप यहाँ दे सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, और ऑफिशियल आप वेबसाइट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने क्लिक कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये सभी मैसेज जब आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे तो आप जो है उसको वहाँ पर एक एक करके फिल करेंगे, जिस कैटेगरी में आप आते जाएंगे उस तरीके से आपको फिल करना है। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर वो ऑफिशियल वेबसाइट देने वाले हैं, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है और ये हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करते ही दोस्तों देखिए लिखा आ गया है ये जो रिव्यू के लिए है, हमने कैटेगरी सिलेक्ट की है ये,
आइडेंटिफिकेशन मेथड हमने वेबसाइट दिया है, वेबसाइट से हम आइडेंटिफाई होना चाहते हैं, हमने नीचे वेबसाइट दी है और यहाँ लिखा है वी एंड अवर ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज विल यूज दिस इन्फॉर्मेशन, ये इस इन्फॉर्मेशन की जो है इसको यूज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। दोस्तों सबमिट करते ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये देखिए आपको मैसेज आ गया है, ये इनके एस्ट्रोनॉट्स जो है काम पर लग गए हैं, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट, ये 7 दिनों में जो है आपको जानकारी देगी, आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी। एक ईमेल भी आपको इसका जो है प्रोवाइड होने वाला है जिसमें ये लिखा होगा वेरिफिकेशन के पर्पस से, और वेरिफिकेशन होने के बाद अगर ये सब कुछ आपके रेफरेंस के रिगार्डिंग सही बैठता है तो आपको जो है ट्विटर पर जो ब्लूटूथ आप देखते हैं वेरीफाइड का वो आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ भी उन्हें ऐसा लगता है कि दिया हुआ रेफरेंस आपकी अकाउंट एक्टिविटीज से मिलता नहीं है तो वो इसको रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों। और रिजेक्ट करने के बाद आप फिर से जो है 1 महीने बाद 30 दिन बाद जो है इसको फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम इसको गॉटेड कर देंगे। गॉटेड करते ही अब हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ चली गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पर दोबारा जाएंगे, यहाँ जाने के बाद दोस्तों लिखा हुआ है आपकी रिक्वेस्ट जो है अभी रिव्यूड हो रही है, प्रोसेस में है, और ये मैसेज आपको यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप अगर ट्विटर पर भी चाहते हैं ये ब्लू टिक जो आप देख पा रहे हैं तो इस तरीके की ब्लू टिक के लिए जो प्रोसेस थी वो हमने इस वीडियो में आपको बताई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।